पिछले काफी समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बने शातिर चोरों के गैंग का पुलिस ने भांडा फोड़ दिया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लाखों रुपए की नकदी व लाखों रुपए की सोने चांदी जेवरात बरामद हुए हैं। पुलिस कप्तान अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि शातिर चोर गैंग ये काफी दिनों से कन्नौज जिले की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने इसकी तलाश, सर्वेलेंस व पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका से इस गिरोह को पकड़ा जा चुका है। इनके कब्जे से लाखों रुपए के कैश व लाखों रुपए के सोने चांदी आभूषण व 3 अवैध तमंचे। गिरोह है इस तरीके से, और ये कई जगहों में इन्होंने चोरियाँ की हैं, जिसमें कन्नौज सहित दिल्ली और कानपुर की चोरियाँ शामिल हैं। इनके पास से जो सामान मिला है उसमें 237,000 रुपया है, 245 ग्राम पीली धातु या सोना समझ लीजिए, सफ़ेद धातु या चांदी जिसको बोलते हैं 245 ग्राम का आभूषण है, और इनके पास से 3 तमंचे और 3 कारतूस भी बरामद हुए हैं। 3 एंड्रॉयड फ़ोन भी इनके पास हैं, और कुल जो है बरामदगी 8,00,000 रुपये है, जिसमें भी कुल कीमत बरामदगी 30 की आती है। इनके नाम जो है मोनू वर्मा है, पुत्र राजेश कुमार, पंखी काशीराम कोदनी कानपुर नगर, और सलमान उर्फ सरफराज पुत्र नसीम अनवरगंज कानपुर नगर, सहनवाज पुत्र कमरुद्दीन ये गोयान कोतवाली कन्नौज, और मुस्लिम पुत्र मोहम्मद आसिफ ईदगाह काशीराम कॉलोनी। यहाँ की जो 5 चोरियाँ इन्होंने कबूल की है, उसमें 21/2/19 को सिपाही ठाकुर मोहल्ले में पुष्पा मिश्रा के घर की चोरी, 27/7/18 को विनोद दीक्षित अस्पताल के पास बिकुल की दुकान में गुल्लक चोरी, इसके बाद 10/5/19 को बुलाकीपुरवा में राम नरेश के घर से चोरी, और 6/11/18 को भोलकुआ के पास यशोदा नगर से श्रीमती सीता कुमारी के घर की आलमारी से नकदी और जेवरात चोरी करने की बात बताई है, और 1/11/18 को मुबारकपुर टीला में राहुल के घर के दरवाजे का ताला खोलकर भी इसकी चोरी की। इन्होंने सर दिल्ली तक में बता रहे हैं आपकी अपराध, दिल्ली में चांदनी चौक के भागीरथ मार्केट से इसने चोरी की है, कानपुर में भी फूलबाग और नवस्था में चोरी करना बताया है, लेकिन सारी चीज़ों को अभी तक हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए हैं कि कौन सा केस है इनका और उससे संबंधित कौन सी रिकवरी है, इसको इन लोगों को भी भेजा जा रहा है और संबंधित थानों से इनके अपराधिक इतिहास जो है वो एकत्रित किए जा रहे हैं, और फिर आगे आवश्यकता पड़ेगी तो इनको पुलिस के सभी रिमांड में लेकर फिर से आगे की रिकवरी और अन्य कार्रवाई। सर संगठित गिरोह है क्या?